गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट आइटम वेक्टर्स. ये भी एक नई जिंदगी की शुरुआत है. जितने भी पाप अपन ने बरसा रखे हों कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल एकदम फ्रेश, किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक हैवी वेटेज जरूर है. पैराग्राफ ही पूछ लेते कई बार, 10-12 नंबर तो मान लो, 15 नंबर तो एनसीईआरटी में. अभी इस बार मैंने उसके बोले थे जेई मेन के, गलती हो गई सर. 15 नंबर जेई, उस जेई नहीं सॉरी, क्या एनसीईआरटी सीबीएसई वेक्टर 3D मिला के, शायद नॉट ओनली वेक्टर, वेक्टर एंड 3D मिला के, जिसमें 3D का 6 नंबर का क्वेश्चन तो डन है. वेक्टर का 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते, तो आइटम ही नहीं है इसमें कोई. बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सिंपल, वन टाइम इन्वेस्टमेंट. अगर एक बार क्लास में ढंग से समझ लिया और जितने DPP दिए अगर रेगुलरली टाइमली कर लिए, तो बहुत कम चीज़ें होगी जो दोबारा अपने को पन्ने पलट के देखनी पड़ेगी. वेक्टर्स. लेकिन हाँ, इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा अगर स्ट्रेट लाइन हल्का फुल्का सा पढ़ा हुआ हो तो रिलेटिवली ज़िंदगी आसान हो जाती है. बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ा हुआ हो. वेक्टर्स. सबसे पहले शुरुआत, डेफिनेशन. वेक्टर की डेफिनेशन फिजिक्स वाले पढ़ा के भेजते हैं वैसे तो. एक ऐसी चीज जिसके पास अपने संपत्ति के तौर पे दो आइटम हो, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, सही है. इसके साथ में एक क्वांटिटी और पढ़ाने की कोशिश करते हैं फिजिक्स वाले, उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो क्षमा याचना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है. ठीक है, अगर हम बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सी डेफिनेशन लिखना चाहें वेक्टर की, तो हम लिख सकते हैं एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर. एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर. चूंकि ये लाइन सेगमेंट है, इसलिए इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट डिफाइन होगा. लाइन सेगमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों मुझे पता होते हैं. क्योंकि ये डायरेक्टेड है, इसलिए इसकी एक डायरेक्शन होगी. मान लीजिए इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी कहा जाए, तो इस वेक्टर को जो कि ए से बी की तरफ जाता है, इस तरीके से डिनोट किया जाता है, जिसे मैंने बोला ए बी वैक्टर. ए बी वैक्टर सेज ए इज इनिशियल पॉइंट, बी इज फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट, कुछ भी. ठीक है, ए इज इनिशियल पॉइंट, बी इज टर्मिनल पॉइंट, मतलब इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ जा रही है. ठीक है, चूंकि एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइनाइट होती है. ठीक है, ए बी वेक्टर के मॉडुलस को बोला जाता है उसकी लेंथ, लेंथ ऑफ द वेक्टर. किसी भी वेक्टर के पास दो क्वांटिटीज है, एक उसका लेंथ और एक उसकी डायरेक्शन. कभी कभी इस लेंथ को मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर भी बोला जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर. ठीक है, इसके बाद लाइन, लाइन अलोंग विच द वेक्टर इज अप्लाइड, लाइन अलोंग विच द वेक्टर इज अप्लाइड इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ एप्लीकेशन और यदि क्वेश्चन में यूज किया गया वर्ड बेस लाइन या सपोर्टिंग लाइन तो वो भी यही है. मेनली हमारे लिए फिजिक्स में काम आने वाला तो लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ एप्लीकेशन ही है. ये तो वेक्टर का सिंपल सा इंट्रोडक्शन. अ स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वेदर अ वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो वेक्टर के पास अपनी संपत्ति के तौर पे दो ही चीज है,
एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वैसे, कि वेक्टर के पास अपनी दो चीज़ें होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड जो कि उसकी लेंथ से दिया जा सकता है, और एक उसकी डायरेक्शन कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। ए टू बी विल बी डिनोटेड बाय ए बी वैक्टर, एंड बी टू ए विल बी डिनोटेड बाय बी ए वैक्टर और माइनस ए बी वैक्टर। ये तो वो चीज़ें जो फिजिक्स वालों ने थोड़ी बहुत हमें सिखा रखी है। वैसे मुझे वैक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी नहीं आता है, अब नहीं आता क्या कर सकते, मुझे ये नहीं पता कैसे सिखाते। मुझे आता है, ऐसे घूरने की जरूरत नहीं, मुझे आता है, लेकिन सिखाया कैसे जाता है मुझे नहीं पता, क्योंकि फिजिक्स वाले सिखा के भेजते हैं भाई। दो वेक्टर्स को ऐड करना तो सिखाते ही कम से कम। कौन कौन से लॉ होते हैं? एक तो ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। क्या बात है, नाम तो सुन रखा है भाई, हमने भी सुन रखे हैं ये नाम तो। क्या है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम? अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। मैंने पैरेललोग्राम बोला, तुम ट्रायंगल लॉ होते, ये क्या बात हुई? मतलब नहीं, मुझे तो पैरेललोग्राम सुनना है, ये क्या बात थी? पैरेललोग्राम बताओ ना। चमका? नहीं ना। क्या है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम? डिफाइन नहीं कर सकते वो, उनके एडिशन को बताता है। अगर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड्स, अगर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स, दो वेक्टर, जैसे ये हो गया एक वेक्टर ए वेक्टर, और ये कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर डिनोट करता है, तो उनके टेल से निकलने वाला एक डायगोनल इनका एडिशन कहलाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दैट इज लॉ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, जो भी बोलते हैं, पता नहीं मुझे तो नाम भी याद नहीं है। यही है लेकिन, अरे यही है। अच्छा, और लॉ ऑफ ट्रायंगल, अगर दो वेक्टर मुझे दिए गए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इस बी वेक्टर को पैरेलली यहां पे शिफ्ट किया जा सकता है, हैं? ए की टेल से बी के हेड को जोड़ने वाला रिवर्स, मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर उनके एडिशन को बताता है, जिसे हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से दर्शाते हैं। वैसे ये और ये एक ही चीज़ है, मतलब इतना तो आप समझते होंगे, ये और ये जो है ये एक ही चीज़ है। ये इसका, इसको मिला देते तो पैरेललोग्राम बन जाता यार। तो चीज़ एक ही है, लेकिन ठीक है, इसे वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल बोला गया है, इसे वेक्टर मतलब वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल, और ये एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोला गया। बता दिया आज तो मैंने, देखो पहली बार। तो इससे एक बात और आ गई हमारे पास, क्या? दिस बी इज कॉल्ड हेड और दिस ए इज कॉल्ड टेल। कभी फिजिक्स में वेक्टर पढ़ते वक्त हमें कोई हेड टू हेड या टेल टू टेल वाली सिचुएशन याद है? क्या किया जाता है हेड टू हेड और टेल टू टेल के साथ? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बहुत बढ़िया, ये मैं फिजिक्स की यादें बता रहा हूँ आपको, मैथ वाले ने तो चालू ही नहीं करा अभी तक। मैथ का वेक्टर तो भी हमने चालू ही नहीं करी, तो बचपन की चीजें जो आपको बचपन में पढ़ी हुई है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स किस तरीके से मेजर किया जाता है, ये ध्यान होना जरूरी है। दो वेक्टर्स के बीच के एंगल का क्या मतलब है? वो टेल टू टेल, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं तो इनके बीच का एंगल ये है, या फिर टिप टू टिप और हेड टू हेड, ये उनके बीच का एंगल है। कभी भी ध्यान रहे, अगर एक ए वेक्टर ऐसा है और एक बी वेक्टर ऐसा है, तो ये इनके बीच का एंगल नहीं है, ये इनके बीच का एंगल नहीं होता। या तो इस बी वेक्टर को शिफ्ट करके इधर लाओ, टेल टू टेल मिलाओ, सही है, या फिर ए वेक्टर को आगे ले जाओ, फिर वापस टेल टू टेल, ए की टेल और बी की टेल मिलाओ, जैसे भी, ठीक है? तो वो ये वाला इनके बीच का एंगल आएगा, इधर वाला। कुछ समझ में आ रहा है? ये सब तो हमने फिजिक्स की बातें करी, ठीक है? चलिए जी, स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर्स, स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट,
नल वेक्टर, वेक्टर्स विच हैव विच हैज वेक्टर वेक्टर विच हैज सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट वेक्टर विच हैज सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड नल और जीरो वेक्टर। कभी कभी इसे जीरो वेक्टर भी बोला जाता है। अगर आपको मैट्रिक्स के कुछ यादें हों तो वहां हम लोग नल मैट्रिक्स बोला करते थे, विच ऑल्सो वर्क्स एज अ एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि एक एडिटिव आइडेंटिटी की तरह भी काम करती है। तो वो वाला काम मेरा ये जीरो वेक्टर भी करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी वाला। क्या है वो, एक सेकेंड अभी देखते हैं। पहले हमने लिखा क्या है, नल वेक्टर, वेक्टर विच हैज सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड नल और जीरो वेक्टर, एंड दिस इज द ओनली वेक्टर, दिस इज द ओनली वेक्टर विच इज डिफाइंड, विच इज डिफाइंड या विच कैन बी डिफाइंड, एक ही बात है, विच इज डिफाइंड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, विच इज डिफाइंड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। लो जी साहब, ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल ए वैक्टर, सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, अगर इसे डिनोट करने की कोशिश करें या इसे बनाने की कोशिश करें, दैट्स इट, यही तो है। अरे सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, यही इनिशियल पॉइंट और यही टर्मिनल पॉइंट, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा, मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो रहेगा, एंड डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं। अरे पॉइंट की कैसे डायरेक्शन डिफाइन करोगे भाई, ठीक है। हैशटैग ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर, इट एक्ट्स एज एन एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी वेक्टर में ऐड करने पे उसमें कोई चेंज नहीं करता। या फिर ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर विल गिव मी नल वेक्टर। थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे, चमकेगा चमकेगा। थर्ड कहां से आ गया भाई, सेकंड इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड यूनिटी, विच हैज अ मैग्नीट्यूड यूनिटी एंड डायरेक्शन सेम एज ए वेक्टर, एंड डायरेक्शन सेम एज ए वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है और डायरेक्शन ए वेक्टर के अलोंग है, ठीक है, यूनिट वेक्टर, पता ही नहीं क्या लिखा है भाई साहब, सारे वर्ड एक जैसे लगते हैं, इतना ज्यादा कर्सी में ना सब एक जैसा लगता है, देना सीधा। यूनिट वेक्टर इज द इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड यूनिटी एंड
डायरेक्शन सेम एज ए वेक्टर एंड इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय ए कैप. कैप है बेसिकली यूनिट वेक्टर डिनोट करने के लिए. ए कैप को डिफाइन किया गया है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ये तो वो है जो फिजिक्स वाले पढ़ा देते हैं भाई साहब. ए कैप कैन बी डिफाइंड एज ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड. ठीक है साहब, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है. इससे मैंने अपने काम का एक रिजल्ट निकाल लिया. हेंस ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप. मिलियन ट्रिलियन जिलियन जालियन जोलियन फॉलियन डॉलर चीज, ताबड़तोड़. ये तो सांसों में बसी होनी चाहिए. मैं किसी भी वेक्टर को फॉर्म कर सकता हूं. इन चीजों को पता है आप लोग अपने शब्दों में लिखते क्यों नहीं, मुझे भी नहीं पता होता सही में. मैंने बहुत संकट झेले हैं भाई, मुझे पता है ना, तभी तो बोल रहा हूं इतना स्ट्रेस देके. मैं आई कैन फॉर्म एनी वेक्टर इफ आई नो इट्स लेंथ. ये कौन है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ है भाई साहब. अगर मुझे उस वेक्टर की लेंथ पता है और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता है, और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता है, प्लीज नोट दैट दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. हम दो मैट्रिक्स को डायरेक्ट नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मैट्रिक्स गलत एग्जांपल ले लिया, वेरी बैड. दो वेक्टर को ऐसे नहीं चिपका सकते ना एक दूसरे से, बट एक स्केलर को एक वेक्टर से चिपकाया जा सकता है. टू ए वेक्टर का एक मीनिंग है, अभी लिख रहे हैं अभी हम लोग आगे. दिस इज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस इज अ तुम तो यार तू मत दही क्यों कर देते हो भाई, मेरे को बोलने दिया को, मैं खुद से बना लेता हूँ कभी कभी चीजें, गलत बन जाती तो ठीक है वापस आ गए. ये क्या है, एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, वेक्टर क्वांटिटी के साथ. ठीक है, तो एक स्केलर मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन दिया क्या मेरे को इसने, एक वेक्टर क्वांटिटी दी. क्या दिया, ए वेक्टर. कब मिलेगा, रात को 3 बजे भी कोई पूछ लेना भाई साहब, कोई वेक्टर कैसे फॉर्म हो सकता है. मुझे दो चीजें चाहिए भाई साहब, एक तो उसकी लेंथ चाहिए और एक उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए. बस खत्म हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, वेक्टर मेरा फॉर्म हो जाएगा कभी भी एनी टाइम. ठीक है, चलिए क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले. क्वेश्चन नंबर वन, बोलूं, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस एंड एंगल बिटवीन देम, एंड एंगल बिटवीन देम. दो यूनिट वेक्टर है मेरे पास, ए कैप और बी कैप ले लिया. इनका सम कोई नया यूनिट वेक्टर सी कैप है, ये दिया गया है एक्चुअल में. ठीक है, अगर मैं फिजिक्स का यूज करके, फिजिक्स का यूज करके मतलब फिजिक्स यूज नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स में जो मास्टर ने पढ़ाया उसका अगर मैं यूज करता हूं, तो इसका मॉड इसके मॉड के बराबर होगा. और यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है, वन. यूनिट वेक्टर की लेंथ क्या है भाई साहब, वन. और इसके मॉड के लिए एक फॉर्मूला लिखाया था, जो फॉर्मूला कई लोगों को रटा रहता है,
ए स्क्वायर का मतलब होता है ए कैप के मॉड का स्क्वायर प्लस बी कैप के मॉड का स्क्वायर प्लस टू ए बी, नहीं ए डॉट बी। ए डॉट बी का क्या मतलब है? ए बी कॉस थीटा। मीनिंग क्या है ए ए डॉट बी का? ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है। ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, ए कैप और बी कैप का डॉट प्रोडक्ट किससे दिया जाता है? ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल्स टू मॉड ए इंटू मॉड बी, है ना? तो मॉड ए कैप इंटू मॉड बी कैप इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए कैप एंड इज इक्वल्स टू कितना है भैया मेरा? वन। ए कैप का मॉड वन, बी कैप का मॉड, तो ये वन वन टू, टू प्लस टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन, कॉस थीटा बराबर माइनस हाफ। अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट है, क्या? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन ओनली बी डांस बिटवीन, जल्दी, 0 से π, कहां ओपन कहां क्लोज? पाई हो सकता है? सोच के बोलो, सोच के बोलो, सोच के बोलो। दोनों पे क्लोज आएगा, 0 पे और π। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर देना है। तो थीटा बिलोंग्स टू, ओ बिलोंग्स टू क्या, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू 2π/3 या फिर 120 डिग्री। तो एंगल बिटवीन दोनों वेक्टर तो आ गया 120 डिग्री। अच्छा दूसरी चीज मेरे से पूछी गई है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो डिफरेंस तो क्या हुआ? ए कैप माइनस बी कैप, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका मॉडुलस। फिर से हम फिजिक्स वाले मास्टर के पास गए, उसने एक फॉर्मूला इसके लिए भी लिखाया था जिनको याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए का मॉड बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। ये बी कैप ए कैप के मॉड है, वो तो बनी है। कुछ समझ में आ रहा है किसी को? फिजिक्स के पाप में भैया, मेरा कुछ नहीं है। 1 + 1 2 माइनस टू कॉस थीटा कॉस 120 डिग्री माइनस हाफ, तो ये कितना आ गया आंसर भाई साहब? √3 आंसर। बोलो। ठीक है, इसका ऑलिटर भी करेंगे हम, ऑलिटर कर रहे हैं इसका, एक मैथमेटिकल वे ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चन। उससे पहले हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पिछले 12 साल के इतिहास में पहली बार कर रहा हूं मैं, कुछ गलती जो माफ कर देना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन डबल डी आता है, एन लगा दूं क्या? मैं वही सोच रहा था इसीलिए पूछा, डबल डी आता है कि नहीं आता ये पूछ रहा था। वेक्टर लॉ ऑफ, वेक्टर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखो साहब। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अच्छा वेक्टर हमेशा स्मॉल लेटर से दर्शाया जाएगा, तो कोई ऐसे बीच में जरा जबरदस्ती कैपिटल लेटर मत लेगा ना, बहुत सूगला लगता है वेक्टर, मतलब ऐसे लिखना इज लाइक मतलब वेरी सूगला। प्रैक्टिस स्मॉल की करें, कैपिटल में सिर्फ पॉइंट्स लिखे जाएंगे, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट पी पॉइंट क्यू, ये सब हम कैपिटल में लिख। तो लेट मतलब लेट क्या? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द साइड्स, आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन इट्स डायगोनल वेक्टर्स, देन इट्स डायगोनल वेक्टर्स आर गिवन बाय, देन इट्स डायगोनल वेक्टर्स आर गिवन बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर।
अगर मुझे दो वेक्टर इस तरह से दिए गए हैं, ए वेक्टर ये और यहां पे बी वेक्टर, यहां पे कुछ दो चार पांच चीजें हम लोग इसी के साथ सीख लेंगे। किसी को भी कोई चीज में परेशानी हो तो रोक लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसे चेहरा देख के पता नहीं पड़ने वाला है, अभी मैं देख ही नहीं रहा अभी, इसीलिए। इन दो को एडजेसेंट साइड मान के अगर एक पैरेललोग्राम बनाया जाए, इस पैरेललोग्राम के कितने डायगोनल्स? दो। एक तो इनके टेल से निकलेगा, दोनों के जो टेल से निकलेगा वो तो कौन है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको मान लो मैंने बोल दिया डी वन डायगोनल वन वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसका एक डायगोनल और बनेगा, इसको नाम दे देते हैं अपन थोड़ी देर के लिए, ए बी सी और डी। एक डायगोनल तो बन गया भाई साहब ए सी वेक्टर, इसका एक डायगोनल और है अभी बी डी, बी डी वेक्टर या डी बी वेक्टर, जो भी दो नाम दे सकता हूँ ना, एक तो बी से डी वेक्टर या डी से बी वेक्टर, वो भी एक वेक्टर आएगा। वो बोला जा रहा है कि ए माइनस बी वेक्टर से दिया जा सकता है, उसका प्रूफ मैं दो तरीकों से समझा सकता हूँ, बहुत आराम से मैं दो तरीकों से समझा सकता हूँ उसका प्रूफ। एक बबुआ टाइप, क्या? ए वेक्टर प्लस, जान देना ये हटा रहा हूं, इसका काम तो हो ही गया ना, फिर वो कट जाएगा तो फिर तुम्हें लगेगा कि वो गलत लिख दिया था क्या। हाँ, अगर बी डी वैक्टर लिया जाए, जनता वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्राइंगल, जो भी है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सुनो, ए वेक्टर प्लस बी डी वैक्टर विल बी इक्वल टू, मजा ही नहीं आ रहा, ए वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस, माइनस क्या कर रहे हो यार, माइनस कहां से आ गया? ए वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर इज इक्वल टू बी, ए बी 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 बोलो बी, पता नहीं क्या, बी बी नहीं, बी सिर्फ ब्लैकमेल मत करो। ए वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर जा रहा है? बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो बी डी वेक्टर कितना आ गया भाई साहब? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कई लोग नाराज भी हो जाते, साले तूने तो ए माइनस बी लिखा, शांत कर हरी शांत यार, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ऐसा है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऐसे होगा, होगा तो वही उसका उल्टा होता है भाई, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे। खैर, मैं इस वाले में ज्यादा इंटरेस्टेड था भी नहीं वैसे, सही बताऊं इस मेथड में, ये तो मैंने आपको गरीबों वाला तरीका बताया, इसको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए वैसे, गलत बात। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हम लोगों को ये बात समझ में आती है कि सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही है। ये जो सब्ट्रैक्शन है ए माइनस बी वैक्टर, ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर, मैं इसे भी एडिशन की तरह लेता हूँ। ए वैक्टर में किसे जोड़ूंगा? माइनस बी वैक्टर को। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे माइनस बी वैक्टर प्लॉट करना आना चाहिए। अगर बी वैक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस बी वैक्टर सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन होगा, सेम लेंथ इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां बनेगा बी माइनस बी वैक्टर नीचे की साइड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? किन्हीं भी दो वैक्टर्स को टेल टू टेल मिलाने के बाद अगर उन्हें एडजेसेंट साइड मान के एक पैरेललोग्राम बनाया जाए, व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बोलना आ गया है, यस, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज अगर किन्हीं दो वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मान के एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया जाए तो इन दोनों वेक्टर्स के टेल से निकलने वाला डायगोनल उनके एडिशन को दर्शाता है, ठीक है। कितनी बार बोल दिया मैंने, देखो यार कितना अच्छा आदमी हूं मैं। दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये जरूरी है समझना। ये क्यों है जरूरी समझना, ये भी आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। यार मास्टर तूने तो इसका सेकंड डायगोनल बोला था, तूने तो ड्रामा ही अलग कर दिया। अब भाई साहब अगर थोड़ी सी भी ज्योमेट्री आती है, सास आशा कभी पढ़ी है बचपन में, तो ये और ये एक ही वेक्टर है, फोटोकंदी बन गई इसलिए नजर नहीं आ रहे पैरेलल।
वरना तो ये एकदम पैरेलल नजर आते। आपने अगर फोटो सही बनाई होगी तो आपको ये बिल्कुल एकदम, वैसे तो मेरे भी नजर आ रहे हैं थोड़े बहुत हल्के फुल्के, ये एकदम पैरेलल और इक्वल नजर आते हैं। बताऊं सा 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 लगा कि पैरेलल क्यों है और इक्वल क्यों है? इतनी बुरी हालत है कि तुम्हारी, ये और ये बराबर है नहीं है? ये और ये तो बराबर है, और ये कॉमन साइड है। एक एंगल और करवा दो किसी तरह से बस, कौन सा 90 वे? तुम्हें पता भी है कौन से दो डायगोनल, कौन से दो ट्रायंगल अपने को सर्वांगसम बताने हैं? सर्वांगसम ही नहीं पता यहाँ तो भाई साहब। कॉन्ग्रुएंट ADB, ये कितने डी मानोगे भाई? हाँ, और ABD डैश, इनको मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। गेल से प्यार, अगर तू इसे पैरेलल मान ही लेगा तो प्रूव क्या कद्दू कर रहे हैं फिर? यही तो प्रूव करना था कि पैरेलल और इक्वल है। एंगल DAB, फिर तो अपने बस की नहीं है ना, ज्यादा हो जाएगा। एक्चुअली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैडम बराबर बोल रही हैं, कोई है ना, वो इसलिए बराबर बोल रही हैं क्योंकि ये तो पैरेलल है ही। वो गुलाब ने एक्चुअली रेड वाले को पैरेलल बोल दिया था, वो तो प्रूव करना है वे। लेकिन ये ब्लू तो पैरेलल ही है। और कमाल करते हो, माइनस बी वेक्टर उसकी डायरेक्शन में तुमने बोला अपोजिट, तो ये दोनों पैरेलल हैं और ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जेड बनने की वजह से, जेड जेड समझते हो? अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू, सॉरी सर गलती हो गई, पागल हूं मैं। अकॉर्डिंग टू सास, दीज टू ट्राइंगल्स आर, यस, ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हैं, तो पैरेलल तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो इसलिए ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये ऊपर वाला भी क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसे डायगोनल टू देख के टू कह दो। तो एक डायगोनल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से और दूसरा डायगोनल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से दिया जा सकता है। इसे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मास्टर, तूने इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया? अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ये वाला, अगर मैं इसे मैथमेटिकली करना चाहूं, ऐसे ही एक दिन मूड किया कि यार मैथमेटिकली करो इसे, तो हमने बोला देखो भाई ऑलिटर है ना, मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है कि दो यूनिट वेक्टर्स ए कैप का सम भी क्या है, यूनिट वेक्टर है। मैं नॉर्मली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज नहीं करता था। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करो यार, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर बी कैप में इस साइड ना बना के, इस साइड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि इनका एडिशन भी यूनिट वेक्टर है, तो कम से कम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसी फॉर्मेट तो बननी चाहिए। ये ए कैप है, ये बी कैप है, तो ये ए कैप प्लस बी कैप दर्शाएगा, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसे अगर मैंने कोई नया नाम सी कैप दे दिया, तो ये ए बी सी विल फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो ये तो पता पड़ गया हमें ये सारे एंगल क्या हैं, 60 60 60। लेकिन अगर हमने ऑप्शन में ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल 60 टिक कर दिया, तो फिर हमने हक दिया। नहीं समझ आया? ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल 60 थोड़ी है, वो तो इसको आगे बढ़ाने पर ये वाला एंगल इनके बीच का होगा, विच इज 120 डिग्री, अगर ये 60 है। कोई समस्या? ठीक। दूसरी बात हमसे पूछी गई है, ए कैप, ये एक पार्ट हो गया उसका, क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसमें से एक पार्ट हो चुका है। दूसरी चीज हमसे क्या पूछी गई है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। अगर बी कैप ये है तो हमें एक बात फिर समझनी पड़ेगी कि माइनस बी कैप नीचे की साइड आएगा, आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, इसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा माइनस बी कैप का? मैग्नीट्यूड सेम रहता है भाई, माइनस करने से सिर्फ डायरेक्शन पलटती, किसी भी वेक्टर के आगे माइनस लगाने से उसकी
डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। तो ए कैप माइनस बी कैप, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर ये एक ए कैप है, ये माइनस बी कैप है, तो इसकी टेल को इसके टिप से मिलाने वाला वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप देगा। अगर मुझे इस एडी की लेंथ मिल जाए तो क्या इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा? जल्दी बोलो यार। अच्छा, अगर मैं ज्योमेट्री का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं, तो ट्रायंगल मतलब साइड ए बी की लेंथ फास्ट वन, साइड बी डी की लेंथ वन, इसकी लेंथ चाहिए, सही है, ये वाला एंगल 120 डिग्री। ट्रायंगल ए बी डी एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, ये साइड बराबर है, इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, ये 30 डिग्री, ये कितना 30 डिग्री, यहाँ से डाला गया परपेंडिकुलर, इसे 1 cos 30 और इसे 1 cos 30 यानी कि 2 cos 30 बनाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? cos 30 की वैल्यू आंसर इज √3। बिना किसी कैलकुलेशन फिजिक्स में जिस मास्टर ने पढ़ाई उन बिना कैलकुलेशन के भी आप इस क्वेश्चन को अंजाम दे सकते थे। दोनों पार्ट आ चुके हैं, एक 120 डिग्री और एक √3। मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर विथ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर विथ वेक्टर। ए कोई वेक्टर है, उसके साथ यदि मैंने एम नाम का कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करा, तो इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जैसा हमने मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई वाली चीज देखी, तो सेम ही है। स्केलर 3 ए वेक्टर लिखो, ए वेक्टर 3 लिखो, उससे कोई मतलब नहीं होता, बात सेम है, कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैं एम प्लस एन को किसी वैक्टर ए वैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसे स्प्लिट करके एम ए वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर कभी एम ए वैक्टर प्लस एम बी वैक्टर लिखा हुआ है, तो इसे एम टाइम्स ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर लिखा जा सकता है। इन सब के मीनिंग सेम है। अब इन केस ऑफ एम ए वैक्टर, इफ मंकी इज ग्रेटर देन जीरो, बेसिकली जब मैं किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा होता हूँ, तो मैं उसके साथ एसेंशियली क्या छेड़छाड़ कर रहा हूँ? मैं उसके साथ दोनों छेड़छाड़ कर सकता हूँ, मैं उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता हूँ और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ। डायरेक्शन इस मंकी के साइन पर डिपेंड करती है और मैग्नीट्यूड इस मंकी की एब्सोल्यूट वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर इस मंकी की जो बातें नहीं समझ में आए वहाँ वहीं पे रोक देना। अगर इस मंकी की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर इस मंकी की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से बड़ी है, तो दिए गए वेक्टर को मैंने खींचा है, हम तो मर गए सनम। अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से बड़ी है जैसे 2, तो 2a वेक्टर मैंने कैसे जनरेट किया? ये अगर मेरा वेक्टर है, इसको इस वेक्टर को हमेशा ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको टेल माना जाएगा और आगे वाला जो हिस्सा है जहाँ ढक्कन होता है उसे हेड मानेंगे। इस वेक्टर को मैंने 2 टाइम खींच दिया, डबल कर दिया भाई सब, यहाँ तक आ गया, ठीक है। 3a वेक्टर 3 टाइम्स कर दिया, हाफ वेक्टर मतलब इसे कंप्रेस करके आधा कर दिया। किसी को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, ठीक। अगर मैंने इस m को नेगेटिव कर दिया जैसे -1, तो ये ए वेक्टर की जगह माइनस ए वेक्टर मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड सेम रहा। -2a वेक्टर डायरेक्शन पलट के डबल कर दिया। यही बात अभी मैं कहने की कोशिश कर रहा था, अगर मैंने मंकी का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा रखा तो इसका मतलब मैंने इसे खींचा है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 से कम रखा इसका मतलब इसे कंप्रेस किया गया।
अगर पॉजिटिव होगा मंकी तो डायरेक्शन सेम रहेगी, अगर नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन पलट जाएगी। इन केस ऑफ एम ए वैक्टर इफ मंकी इज ग्रेटर देन जीरो, तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मा वैक्टर एंड ए वैक्टर विल बी सेम, एंड इफ मंकी इज लेस देन जीरो, अगर मंकी लेस देन जीरो है देन डायरेक्शन ऑफ मा वैक्टर एंड ए वैक्टर विल बी अपोजिट। वैसे मैथ वालों को फिजिक्स वालों को धन्यवाद तो देना चाहिए, नहीं सही में बेचारे जैसे भी फाइट फूट मारते हैं थोड़ी मेहनत तो कम कर देते हैं मैथ वालों की, थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं कर पाते बेचारे, उस दिन उनको भी नहीं आता, बट लेकिन जितनी भी करवाते हैं थोड़ी मदद तो हो ही जाती है, बाकी मैथ वाला ज़बरदस्ती खींच लेता है बोल बोल के, ये तो फिजिक्स वालों ने पढ़ाया होगा थ्री। अब ठीक है, वो क्या करे, जो मैथ वाला भी नहीं समझा सकता उसके लिए तो यही बोलेगा। थर्ड क्या हुआ, थर्ड कहाँ से आया, वो स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर्स चल रहा था बहुत दिनों पहले, वो बीच में हम लोग घूमने फिरने चले गए ऐसे ही। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल इफ इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे काम में हमारा काम तो इतने से चल जाएगा वैसे, अगर कोई भी दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेम डायरेक्शन के हैं तो मैं हमेशा उन्हें बराबर इक्वल यूज करूंगा, और इनफैक्ट ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर भी इस्तेमाल लिया जा सकता है। इक्वल वेक्टर का मतलब ये है कि ए वेक्टर की जगह यू कैन सिंपली यूज बी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ में भी हम लोग, ट्रायंगल लॉ में भी हम लोग यही करते हैं, इधर से इस वेक्टर को शिफ्ट करके इस साइड ले आते हैं, यही तो करते हैं बेसिकली। तो दो इक्वल और सेम डायरेक्शनल वेक्टर्स, दो इक्वल लेंथ और सेम डायरेक्शनल वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर बोला जा सकता है, हमारे मैथमेटिक्स में इतना ही काम की चीज है। लेकिन एंड दे ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक एफ वेक्टर दे रखा है, सपोज एक एफ वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और एक वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि यार हमारे फिजिक्स वाले मास्टर ने तो इन पे टोपियां भी पहनाई थी, हम भी पहनाएंगे, आदत नहीं है ना इसलिए अभी शुरू शुरू में तो पहना रहा हूँ, बाद में तो पहनाना बंद। आई कैप जे कैप के कैप वही लोग हैं भाई, अलग नहीं है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में एफ वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर लिखा हुआ है तो प्रश्न ही नहीं उठता फिर, तो फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के बराबर थोड़ी हो सकता है भाई साहब, वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को तो रिप्रेजेंट करने चाहिए। बट हमारे मैथ में इसका कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे वैक्टर्स के नाम तो ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर रहने वाले हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता 1%। क्लियर है, एंड दे ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है साहब। ये क्या था, इक्वल वेक्टर्स, नोट
क्या हुआ? नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन, परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन। मुमताज कॉपी दो, एक कॉपी, कॉपी कॉपी क्या होती है, ये हालत है, कॉपी नहीं पता है, नोटबुक आईसीएसई की है ना, हाँ वही समझ गया था मैंने, इसीलिए दूसरा वर्जन नोटबुक यूज किया। कहा कॉपी कहाँ सुनी होगी उन्होंने, कॉपी कापी ये सब तो इनसे बहुत दूर है। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर बोला मैंने, वो शब्द इस्तेमाल किया है हाँ, इसके परपेंडिकुलर यदि मुझे एक यूनिट वेक्टर बनाना, ये मेरा यूनिट वेक्टर है, सारे वेक्टर यही है अपने मार्कर, यूनिट भी ए भी सब, तो एक वेक्टर तो ऐसा बनाया जा सकता है, कलर भी मैथ करके भाई हाँ, एक वेक्टर तो एक ऐप ऐसा बनाया जा सकता। अब आप बोलो कि इनफाइनाइट हो सकते हैं ऊपर, तो ये गलत बात है, क्योंकि ये सब एक ऐप है, ये सब एक ऐप है, क्योंकि डायरेक्शन डायरेक्शन तो इसके परपेंडिकुलर रहनी है, तो इसके परपेंडिकुलर तो एक ही डायरेक्शन होगी ना भाई सब ऊपर, तो ये सब कैसे हुए एक ऐप है, ठीक है। लेकिन एक एक ऐप ऐसे नीचे की साइड भी बन सकता है, ये अलग है उससे, क्योंकि माइनस एक ऐप है विच इज डिफरेंट फ्रॉम एक ऐप। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में से कोई एक चीज भी बदल दी जाए तो वेक्टर विल बी कॉल्ड डिफरेंट वेक्टर। दोनों सेम होंगे तभी इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। तो ऊपर जितने भी बन रहे थे वो सारे एक ऐप थे, नीचे जितने भी बनेंगे वो सारे माइनस एक ऐप होंगे, थोड़ी देर के लिए समझ लो। तो दो डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर किसी गिवन परपेंडिकुलर प्लेन के, मतलब किसी गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर दिए जा सकते हैं, ठीक है क्या? तो आंसर इज टू, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, जैसे भी लिखना। सेकंड, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू गिवन प्लेन, विच आर पैरेलल टू गिवन प्लेन। चार, एक, क्या बोलती हो, एक फाइनाइट इनफाइनाइट, सॉरी दो वाले तो फिर भी कुछ सेंसिबल काम कर रहे हैं कि पिछले का आंसर दो तो इसका भी होगा, चार वाले क्या सोच रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता भाई साहब, सच में जिन्होंने एक बोला है वो प्रभु हैं, ठीक है। अब जिन्होंने इनफाइनाइट बोला है उसका सोच लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इस बोर्ड को प्लेन मान लेते हैं, इस वाले केस में तो इसको माना जा सकता है प्लेन। अगर इसके पैरेलल एक वेक्टर मुझे बनाना है यूनिट वेक्टर, तो मैंने ऐसे बना दिया पैरेलल। वैसे पैरेलल करके कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं वेक्टर में क्यों नहीं होता, क्योंकि किसी भी दिन इसे शिफ्ट करके इसके ओर पटका जा सकता है। वेक्टर, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, हमारे मैथ में जो काम में आने वाला है वो। ऐसे नहीं फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास पे लग रहा था तो उसे उठा के ऊपर टॉप पे पहुंचा दिया, फर्क पड़ेगा भाई, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाओगे तो कौन सा मूवमेंट बोलते हैं उसे यार, ट्रांसलेटरी लीनियर, और लीनियर एक ही बात होती है, तो ट्रांसलेटरी मूवमेंट होगा, और अगर थोड़ा ऊपर नीचे लगाओगे तो या तो रोटेट करेगा या फिर टॉपल कर जाएगा। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है, सब बहुत बड़े लेवल की बातें हो गई है, मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा भाई
तुम्हें क्या कद्दू समझ आएगा? दो वर्ड याद है मेरे को तो, टॉपल और रोटेशन, दोनों ही टॉपल ही तो बोलते हैं, लेकिन टॉपल तो ऐसे कोई नीचे से पैर खींच ले। हैं? तो रोटेशन क्या फिर गेले, वो भी वही है। अरे नहीं, मैं वो नहीं कह रहा था, मेरे लिए टॉपल और मेरे लिए तो ये था, कोई सर पे घूंसा मारे तो इट्स रोटेशन, और कोई पैर खींच ले इट्स टॉपल, मैं ये सोच रहा था। कोई बीच में बेल्ट पकड़ खींचेगा तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा। तो यू कैन रिलेट दिस विद सेंटर ऑफ मास वाला मूवमेंट। मुझे ऐसा लगा कि कोई नीचे से खींचता है तो उसे टॉपलिंग कहते हैं, कि ये टॉपल कर जाएगा ब्लॉक। ब्लॉक के लिए आते थे ना ऐसे क्वेश्चन, कितना फोर्स लगाया जाए कि टॉपल कर जाए। अरे आते थे यार, पता नहीं नॉर्मल रिएक्शन से कुछ करते थे भगवान जाने। छोड़ो, अरे छोड़ो, अब जब अपनी हैसियत की चीज ही नहीं तो क्या फायदा लड़ने का, तुम ही जीतोगे। तुम ही जीतोगे ना भाई, तो ऐसे ऐसी लड़ाई में लड़ता ही नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन करके रहे थे हम। अच्छा हम, ओहो कहाँ चले गए। लो ये प्लेन है, ये इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर है ना, ये अलग है, ये अलग है, अलग 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 कितने पे। अब वो डबल इन्फाइनाइट आंसर मत देना कि सिर्फ नीचे की साइड भी होंगी। अब गुलाब वो सेम है, वो यही वेक्टर है, यही है जो है। और कि सर प्लेन की उस साइड भी तो होंगे, यही वेक्टर्स हैं भाई, वो पैरेलल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता ना। इधर बना दो चाहे प्लेन के उस साइड बना लो, ऐसा ही वेक्टर, वो यही वेक्टर होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये जो हमने ये बिल्कुल एकदम इस सर्कल टाइप बना दिया ना, तो ये सारे वेक्टर्स जो हैं वो इस प्लेन के पैरेलल हैं। कोई दिक्कत? पक्का? थर्ड, नंबर ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, विच आर परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन एक लाइन गिवन है, इसके परपेंडिकुलर यदि मुझे एक यूनिट वेक्टर बनाना है, तो एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर बनाए जा सकते हैं? मुमताज, इन्फिनाइट। पक्का? कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, तो ये इसकी परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है। ये देखो चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है इसका? डायरेक्शन चेंज। इफ डायरेक्शन चेंजेस देन वेक्टर विल बी डिफरेंट। तो कितने वेक्टर्स? इनफाइनाइट। सही है, इसको ऐसे घुमा दो, इसे ऐसे घुमा दोगे तो इनफाइनाइट वेक्टर्स बनेंगे। फोर्थ, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर्स। राघव जी आपको नौकरी दी जाती है बिना पैसे की, ये जितनी बार पीछे घूमे ना। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर्स मैं भूल गया भाई, विच इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन। थैंक यू, विच इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ऐसे कितने डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर बनाए जा सकते हैं जो कि एक दी सिर्फ समय याचना बोलेगी आंसर, कोई नहीं चिल्लाएगा चुप रहना सब, जो कि एक गिवन लाइन के पैरेलल है। एक समय याचना के सपोर्टर्स, कितने लोग लड़ना चाहते हैं? एक, कितना? दो,
दो तुम आया, तूने खुद खुद नहीं वोट खींच लिया इसमें। दो आंसर है भाई, क्या करते हो यार? एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में और एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन, नेगेटिव हो जाएगा तो ये लाइन है भाई, लाइन की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है। लाइन दोनों साइड डायरेक्शन है भाई। अरे यार मैं कुछ नहीं कह सकता भाई साहब, सॉरी। जो इसे एंटी पैरेलल बोल रहा है लाइन के, वो तो देवता है फिर। मैं क्या बोलूंगा, लाइन की कहाँ से डायरेक्शन आ गई भाई, वेक्टर की डायरेक्शन होती है यार। ओके तो इस लाइन के पैरेलल तो दो वेक्टर बनाए जा सकते हैं, ठीक है? ये क्या चल रहा था, इक्वल पैरेलल, इक्वल वेक्टर है ना? नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट चल रहा था ना, फिफ्थ। वी डील्स विथ टू काइंड ऑफ वेक्टर्स, ये फोर्थ है, फोर्थ वो नोट थे, सॉरी। मेजर टाइम वी डील्स विथ टू काइंड ऑफ वेक्टर्स, वन इज फ्री वेक्टर्स एंड अनदर इज लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर इज एन एग्जाम्पल, इज एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इज फोर्स वेक्टर। फिजिक्स की तरीके से मीनिंग समझाया जाएगा मोस्टली तो, ठीक है? वैसे भी मैथ तो बेचारी गरीब है, फिजिक्स के लिए ही तो है, मैथ का खुद का तो कोई वो है नहीं। लिखो, फ्री वेक्टर्स आर दोज, फ्री वेक्टर्स आर दोज फ्री वेक्टर्स आर दोज विच वैन ट्रांसफॉर्म्ड, विच वैन ट्रांसफॉर्म्ड इन टू स्पेस, स्पेस नया ड्रामा आ गया, बड़े तो हुए नहीं, से पहले स्पेस आ गया, ये गलत बात है भाई। व्हाट इज स्पेस? अभी तक क्या है, हम लोग बबुआ थे तो हम लोग क्या इस बोर्ड के प्लेन में खेलते थे, ठीक है? इसे बोलते थे एक्स वाई प्लेन। अब हमारी लाइफ में एक एक्सिस और आ गया है, इसे हम लोग बोलेंगे जेड एक्सिस, जो कि इस बोर्ड के प्लेन से बाहर निकलता हुआ आ रहा है, ठीक है? और कौन से लॉ को फॉलो करता है, राइट हैंड थंब रूल? होता है ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं होता। ये कौन सा, ये फरारी नहीं है, फरारी नहीं है भाई, फेराड़े भी नहीं है, चुप, फेराड़े, इसका फेराड़े से कोई रिश्ता नहीं है भाई। फ्लेमिंगो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड का ही होता है ना वो, अच्छा लेफ्ट का भी होता है। हम तो राइट हैंड स्क्रू रूल जानते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है बस, ठीक है? अगर कभी पेचकस घुमाया है तब तो सारे हो जाएंगे, नहीं तो नहीं चमकेगा। यहाँ पे कील रखी टिचिक टिचिक, और पेच को ऐसे ऐसे घुमाया तो पेच अगर बाहर की तरफ आया तो वो के की डायरेक्शन देता है, आई कैप क्रॉस जे कैप, के कैप की डायरेक्शन, आई से जे की तरफ, आई कैप क्रॉस जे कैप, के कैप बोला तो। अगर आई कैप क्रॉस जे कैप लिखा हुआ है तो क्या मिलेगा, तो क्या क्या मिलेगा?
यहाँ पे रखो, आई से जे की तरफ घुमाओ तो स्क्रू बाहर की तरफ निकलेगा, तो बाहर किसकी डायरेक्शन है? के कैप की। और अगर जे कैप क्रॉस आई कैप पूछेंगे तो स्क्रू कसेगा, तो स्क्रू अंदर की साइड जाएगा, तो इस माइनस के कैप। हम तो ऐसे करते थे भाई साहब, तो साफ बात है एकदम, तो ईमानदारी की। सर देखो ऐसा है, जिसको जो आसान लगे वो यूज़ करो, हम तो कुछ भी यूज़ नहीं करते। जब हमें क्रॉस प्रोडक्ट पूछते हैं तो हम चुपचाप डिटरमिनेंट बना लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ईमानदारी की बात है, क्यों जबरदस्ती फैंटम बनना? जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जाता है तो हम डिटरमिनेंट बनाते हैं। ये आपको भी आता होगा, ये हमें नहीं आता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे भी नहीं आता। सिखाना कैसे, मुझे थोड़ी पता है, मैं तो सॉल्व कर दूंगा भाई। नहीं, ये तो मैं फ्यूचर चेक कर रहा था अपना, कितना खून पीने वाले हैं, बस मैं पिलाऊंगा थोड़ी। लेकिन ये गलत सोच रहे तुम, मैं बिल्कुल डिसाइड, बिल्कुल एकदम स्ट्रांग बन के आया भाई साहब, पिलाना ही नहीं है। जो फिजिक्स वाले ने सिखा के भेजा वो थोड़ी सिखाऊंगा दोबारा। नहीं, मेरे गाली देने से कोई फायदा नहीं, मुझे आता ही नहीं कैसे सिखाते हैं, मुझे ये भी तो पता होना चाहिए सिखाया कैसे जाता है उसे। हाँ, हमें बचपन से यही बोल रखा है कि ये फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं, थ्री वेक्टर्स आर दोज विच वेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पेस। स्पेस की बात चल रही थी, पता नहीं कहाँ चले गए। स्पेस इज अ रूम, ये रूम एक स्पेस है, ये वाला एक्सिस मेरे लिए हमेशा एक्स एक्सिस का काम करेगा, वो वाला वाई एक्सिस, और वो जो उधर से निकल के जा रहा है एकदम जेड है, और उस कौन टाइम वहां पड़ा है ऑरिजिन, वहां हमेशा ऑरिजिन पड़ा है। तो विच वेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पेस, स्पेस में एक वेक्टर पड़ा है ऐसे भाई साहब, इसको यहाँ 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 कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज फ्री वेक्टर। ये हमेशा ए वेक्टर ही रहेगा, बशर्ते इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर आपने इंटैक्ट रखी तो। ठीक है, फ्री वेक्टर्स आर दोज विच वेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट अफेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विदाउट अफेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट कैन बी कंसिडर्ड एज इक्वल वैक्टर्स। इट कैन बी कंसिडर्ड एज इक्वल वैक्टर्स। मुद्दे की बात यह है कि जेई मैथमेटिक्स की जहां तक बात है, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या उसमें सभी वैक्टर्स दिए गए फ्री वेक्टर्स ही हो? हमारे वेक्टर्स तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, उनका फिजिकल क्वांटिटी से क्या लेना देना है भाई साहब। लेकिन ये जो लोकलाइज्ड वेक्टर है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था फोर्स, अगर आपने इसकी लाइन ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दी, सेंटर ऑफ मास से जरा भी ऊपर नीचे किया, तो इसका जो मूवमेंट होगा, उस जो भी आपका आइटम पड़ा होगा उसका जो भी मूवमेंट आएगा वो डिफरेंट आएगा। लोकलाइज्ड वेक्टर, इफ द फिजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, इफ द फिजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर चेंजेस, वेक्टर चेंजेस व्हाइल चेंजिंग द लाइन ऑफ एप्लीकेशन, व्हाइल चेंजिंग द लाइन ऑफ एप्लीकेशन, देन इट्स कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर, देन इट्स कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। देन इट्स कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। एक छोटा सा डिफरेंट कलर नोट चाहे तो लिख सकते हैं, इन मैथमेटिक्स एवरी वेक्टर इन मैथमेटिक्स एवरी वेक्टर अदर देन पोजिशन वेक्टर विल बी अ फ्री वेक्टर, विल बी अ फ्री वेक्टर। एक पोजिशन वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसे मैं स्पेस में मूव नहीं कर सकता।
अब बात ये आती है यार, पोजीशन वेक्टर क्या है ना? पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज पोजीशन वेक्टर। ये मेरा एक्स वाई जेड एक्सिस, ये जो एक्स वाई जेड होते हैं ना, ये बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। जैसे मान लो कभी बहुत ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन अगर किसी को पूछना हुआ ना, तो वो पूछ लेते हैं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। ये डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रही है बोर्ड के, और ये डायरेक्शन बोर्ड के बाहर की तरफ आ रही है ना? अगर ये एक्स है और ये जेड है, तो वाई अंदर वाला है कि बाहर वाला है? ऐसे पूछ लिया जाता है, ऐसे मजाक वाली बात नहीं है। वाई एक्सिस जो है वो अंदर वाला है कि बाहर वाला है? ऐसे इतने आसानी से नहीं बोल देते हैं। पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंट हो? कैसे? इन्होंने तो कुछ ऐसे किया है। अब पता नहीं कैसे किया होगा इन्होंने इससे, कैसे किया तो बताओ तुम तो प्रो रे। हाँ तो बताओ तुझे कैसे कैसे घुमाना, ऐसे ऐसे कैसे घुमाए? तो एक्स की तरफ रखो, वाई कहाँ है गुलाब चंद? नहीं ऐसे नहीं, वाई होगा तो ऐसे नहीं अज्यूम अज्यूम करते। वाई की डायरेक्शन आनी चाहिए। नहीं वो तो वाई की डायरेक्शन मानी है पहले। एक्स और जेड से वाई निकालने, वाई तो पता ही नहीं कहाँ है, कोई आदमी नहीं बोल पा रहा है। हाँ ऐसे, ये कोई बात हुई? नहीं ऐसे बताना चाहिए। कैसी बात कर रहे हो तुम? देखो सुनो, मुझे नहीं पता तुमने कैसे पढ़ाई करी है। बोला सबने सही है, बोला सबने सही है, बट मेरे हिसाब से तो जो दिए गए हैं आपको आई कैप और के कैप, आपको इससे जे कैप की डायरेक्शन निकालनी होती है। अब या तो आई क्रॉस के करो या के क्रॉस आई करो, ठीक है? जिनको पता है, जिनको साइकिल चलानी आती है, जो अभी साइकिल साइकिल चिल्ला रहे थे, ठीक है? उल्टा लिखते ना। पक्का? चलो ठीक है, कैसे भी लिख लो फर्क कोई नहीं पड़ता वैसे, लेकिन तुम्हारी खुशी में ऐसे लिख दिया मैंने। तो के क्रॉस आई विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ जी, के क्रॉस आई। तो के की तरफ ऐसे रखा और आई की तरफ घुमाया, तो दिस विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ जे। अब ये रिजल्टेंट होता है भाई, कमाल कर दो तुम। तुम्हें पहले से भैरू जी आए थे क्या कि आई भाई बाहर उधर अंदर? वो तो डायरेक्शन मिलती है उसकी, हमें जो सिखाया वो मैंने बताया। मैंने तो ऐसे ही सीखा है, जो चीजें दी उसी को तो यूज करोगे, पहले से रिजल्टेंट डायरेक्शन को थोड़ी यूज कर लोगे। व्हाट इज दिस? तो के क्रॉस आई विल गिव मी द जे, तो वाई जो होगा वो अंदर की तरफ हो। बहुत बढ़िया, गुड। चलो ये तो वैसे ही हमने साइड में क्वेश्चन पूछ लिया। मुद्दे की बात, पोजीशन वेक्टर क्या है? ये मेरा एक स्पेस है एक्स वाई जेड प्लेन, प्लेन ठीक, एक्स वाई जेड स्पेस। इसमें कोई पॉइंट है ए, अब जो कोऑर्डिनेट होंगे वो अजीब गरीब आएंगे, 2, 3, 4, 2, 3, 4। जब हम लोग प्लेन में हुआ करते थे तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 2 होने का मतलब होता था कि एक्स में 2 चला और वाई में 2 कदम चला तो पी पे पहुंच गया। एक्स में 2 कदम, वाई में 2 कदम। अब इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड या 2, 3, 4 होने का मतलब ये है कि ओरिजिन से, जैसे पॉइंट यहां है पी, इसकी इस पे टॉप पे, ठीक है? तो वहां ओरिजिन से कितना चलेगा एक्स एक्सिस पे? एक्स, अच्छा 2, 2, 3, 4 लेना तो वो ले लो, नहीं तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो एक्स चलेगा, ठीक है? तो एक्स आ गया, फिर उसके बाद वाई एक्सिस के पैरेलल चलेगा कितना? वाई। तो इसके बिल्कुल आपको सामने से, एकदम इसके सामने दिखना चाहिए भाई साहब,
ठीक है, फिर जेड डायरेक्शन में चलेगा प्लेन के बाहर निकलता हुआ जेड, तो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ये तो हुआ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का मीनिंग। ठीक है, नाउ व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए? ये मेरा ओरिजिन है, ओ से ए को मिलाने वाला वेक्टर, ओ ए वेक्टर इज कॉल्ड इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, कोई दूसरा पॉइंट इस मार्केट में बैठा है बी पॉइंट, कोई दूसरा वेक्टर बैठा है बी पॉइंट, ओ से बी को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ओ बी वेक्टर विच इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, सुनो बहुत ध्यान से, इस ए के पोजीशन वेक्टर को लिखा कैसे जाता है? इस ए के ब्रैकेट में मैंने ए वेक्टर लिख दिया, इस बी के ब्रैकेट में मैंने बी वेक्टर लिख दिया। बहुत मिलियन ट्रिलियन जॉलियन डॉलर चीज आने वाली है। ए के ब्रैकेट में ए, जैसे अभी जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट के साथ में उसके कोऑर्डिनेट दिए जाते थे, एक्स वन कॉमा वाई वन, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एक तरह से उसका एड्रेस हो गया बेसिकली, एक तरह से उस पॉइंट का एड्रेस हो गया कि भाई साहब प्लेन में आपको ये आदमी यहां मिलेगा। ठीक है, वैसे ही ये जो इनके ब्रैकेट में लिखे जा रहे हैं वेक्टर में, यही क्वांटिटी वेक्टर फॉर्मेट में दी जाती है, जिसे पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। तो ए की पोजीशन को स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए या दर्शाने के लिए जो एड्रेस उसे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, वो उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो ए का पोजीशन वेक्टर उसके बाजू में वेक्टर के रूप में लिखा हुआ है ए वेक्टर। क्लियर है? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, एक जगह लिखा है वेक्टर और एक जगह लिखा है पोजीशन वेक्टर, इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस। अ वेक्टर कम्स विद टू पॉइंट्स, वन इज इनिशियल एंड द अदर इज टर्मिनल पॉइंट। अ पोजीशन वेक्टर कम्स विद वन पॉइंट, जो एक पॉइंट की पोजीशन को दिखा रहा है, विच इज अ टर्मिनल पॉइंट ऑलवेज, क्यों? कि इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन है। इन केस ऑफ पोजीशन वेक्टर इनिशियल पॉइंट इज फिक्स ऑरिजिन। ये बात बहुत ध्यान से एकदम बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए, इन केस ऑफ पोजीशन वेक्टर इनिशियल पॉइंट इज फिक्स। इसीलिए तो हमने लिखा ना यहां पे अभी कि एवरी वेक्टर इन मैथमेटिक्स अदर देन पोजीशन वेक्टर विल बी ट्रीटेड एज ए फ्री वेक्टर। मैं वेक्टर को इधर से इधर से इधर से इधर इधर से इधर इधर मूव कर सकता हूं, लेकिन एक पोजीशन वेक्टर को मूव नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्टार्ट हमेशा ओरिजिन से होगा और एंड हमेशा उस पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है। क्लियर है? क्लियर है? सही है। जैसे अगर मान लो ए कोई पॉइंट है, उसके ब्रैकेट में अगर एक पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है ए वेक्टर, इफ समवन आस्क मी कि हु इज, या ये वेक्टर कौन सा है, अगर ये मेरे से कोई पूछता है कि भाई साहब ये ए वेक्टर है कौन सा, तो मैं बोलूंगा भाई देखो सीधी सी बात, ये एक पॉइंट है ए। ठीक है, जब ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाया जाएगा तो जो वेक्टर क्रिएट होगा दैट इज ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर ए वेक्टर है ये। हु इज बी वेक्टर? ओ से बी की तरफ आने वाला वेक्टर इज बी। एक वेक्टर आ रहा है ना भाई साहब, वेक्टर के पास तो हमेशा दो चीजें होनी चाहिए, एक उसकी लेंथ और एक उसकी डायरेक्शन। तो बी वेक्टर अगर कोई मेरे से पूछ रहा है कौन है भाई साहब, तो उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो तो ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की डायरेक्शन मतलब ओ से बी की तरफ वाली डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। दोनों चीजें मिल गई। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। इन दो पोजीशन वेक्टर के यूज से आई कैन क्रिएट अ वेक्टर ए बी वेक्टर। अगर मुझे किसी ने ए बी वेक्टर पूछा या बी ए वेक्टर पूछा, तो वो मैं क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, ए बी वेक्टर कैसे क्रिएट करो? ए से बी की तरफ वाला वेक्टर। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो ए की टेल से ए बी वेक्टर के टिप को जोड़ने वाला वेक्टर विच इज बी वेक्टर विल बी एडिशन ऑफ दोज टू वेक्टर्स। ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो भाई? ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर को लिखा जा सकता है बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या होगा इस हिसाब से? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विल बी ए बी वेक्टर।
बाद वाले टर्मिनल के पोजीशन पॉइंट से पोजीशन वेक्टर के से अगर इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो मुझे ए बी वैक्टर मिल जाता है। सिमिलरली अगर मुझे बी ए वैक्टर लिखना होता तो क्या करता, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की चीज पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर के बाद पढ़ाने का सबसे मेन लॉजिक ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर की हेल्प से बहुत आसान बनाया जा सकता है, बहुत आसान। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं जेड, जेड वन, जेड टू, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें भी हम लोग जेड वन जेड टू वैक्टर बना देंगे। जेड वन जेड टू वैक्टर सेम फैशन में, जेड वन जेड टू को अगर एक वैक्टर कंसिडर किया जाए जिसकी डायरेक्शन जेड वन से जेड टू की तरफ, तो उस वैक्टर को बनाया कैसे जाएगा, जेड टू का पोजिशन वैक्टर माइनस जेड वन का पोजिशन सेम, तो उसको डायरेक्शन की तरफ ट्रीट किया जाता है। वो होते नहीं है वैक्टर क्वान्टिटी, उसको कोई रिश्ता ही नहीं वैक्टर क्वान्टिटी, लेकिन उसे ट्रीट करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और वो सही आएंगे लॉजिकली सेट करके। ठीक है, हमने वो एनालॉजी सेट करी है नहीं वो। ठीक है, ये क्या चल रहा था, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सिक्स्थ, अब तो सिक्स्थ है, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स कभी कभी कुछ जगहों पे इन्हें पैरेलल वेक्टर्स भी बोल दिया जाता है, हालांकि मैं बहुत अच्छे से ये बात डिक्लेयर कर चुका हूं कि वेक्टर में पैरेलल करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि पैरेलल तो मैं कभी भी अपने वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूं। अगर पैरेलल वेक्टर्स नाम दिया गया, अब पैरेलल में देखो दोनों आ गए, एंटी पैरेलल और पैरेलल, पहले बता देता हूं, कोई ऐसे भावुक नहीं होगा यार, यार तू पागल है यार, पैरेलल मतलब दोनों होते हैं, क्योंकि पैरेलल अभी मैं समझा दूंगा रुको। ये कोई दो वेक्टर्स हैं सपोज, ये तो इक्वल भी लग रहे हैं वैसे देखने में, तो इसका ही हटाया तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो अभी इक्वल पीछे ले जाने से थोड़ी निकल हो जाएगा यार, चंबू है यार। अच्छा ढक्कन को पीछे लगा, नाइस सवास, हाँ अब सही। तो ये कोई दो वेक्टर्स है जो कि इक्वल तो नहीं है, तो इनको पैरेलल बोला जाना या कोलिनियर बोला जाना ये एक ही बात होती है। क्यों? क्योंकि मैंने शिफ्ट करके कभी भी एक के ऊपर एक तो कर ही सकता हूँ, तो वो एक लाइन में तो आ ही जाएंगे, ये नहीं आएंगे, थोड़े मोटे ज़्यादा हैं बट भावना समझो, ये एक लाइन में तो किसी भी दिन आ सकते हैं, तो वो कोलिनियर वैक्टर्स और पैरेलल वैक्टर्स एक ही बात है। तो पैरेलल वैरेलल कहीं यूज़ नहीं होता, नॉर्मली कोलिनियर ही यूज होगा। ठीक है, तो टू वैक्टर्स आर सेट टू बी कोलिनियर इफ देयर लाइन ऑफ एक्शन, टू वैक्टर्स आर सेट टू बी कोलिनियर इफ देयर लाइन ऑफ एक्शन और एप्लीकेशन इज पैरेलल और सेम, इज पैरेलल और सेम। Two vectors are said to be collinear if their line of action or application are parallel or same. या तो parallel हो या एक ही हो, तो एक भी तो हो सकती है, क्या पता बी वैक्टर हम यही बना, लेकिन अभी तो हम अलग अलग बनाएंगे, तो इसलिए मैंने बोला कि बी वैक्टर ऐसा भी हो सकता है। बात उनकी लाइन ऑफ एक्शन की है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन अगर पैरेलल है तो ये वैक्टर क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे, क्योंकि मैं इस बी वेक्टर को शिफ्ट करके ए वेक्टर पे तो ला ही सकता हूं। ये सपोज मैंने बी वेक्टर लिया, ठीक है क्या, नोट
नोट इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फर्स्ट इंपॉर्टेंट इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर्स आर टू नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर्स आर टू नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर्स देन ए वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बी वेक्टर एज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स बी वेक्टर अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर्स हैं कोई नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर्स तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की टर्म में ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स बी वेक्टर लिखा जा सकता है जहां पे लैम्बडा कोई भी स्केलर क्वांटिटी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो हो सकती लैम्बडा जीरो क्यों नहीं हो सकता ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था क्योंकि हमने दो नॉन जीरो वैक्टर्स लिए हैं अगर लैम्बडा जीरो कर देंगे तो ए वैक्टर जीरो हो जाएगा तो ये तो बकवास हो गया ना सब अच्छा व्हाट इज दिस लैम्बडा टाइम्स बी वेक्टर ऐसे कैसे लिख सकते हो अरे यार जब हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक बात सीखी थी व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है आप उसके मैग्नीट्यूड के साथ खेलते हो मेनली ठीक है या फिर कभी कभार आप उसकी डायरेक्शन को सिर्फ रिवर्स तक कर सकते हो अगर स्केलर नेगेटिव हो गया तो ये लैम्बडा भी यही काम कर रहा है इस बी वेक्टर को या तो खींचेगा या छोटा करेगा या उल्टा करेगा ठीक है इन तीन केस में मैं इसको ए वेक्टर के बराबर बना सकता हूं जैसे फिलहाल शायद मुझे इसे खींचने की जरूरत है तो लैम्बडा की वैल्यू 1 से बड़ी ली जाएगी 1 से बड़ी ली जाएगी अगर लैम्बडा नेगेटिव हो जाएगा तो बी वेक्टर दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा ठीक है तो बेसिकली फॉर some value of lambda I can always find some scalar value of lambda जिसे b vector से multiply करके I can create actually a vector कभी खींचने की कभी छोटा करने की या कभी पलटने की इससे ज़्यादा तो और किसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं अगर ये vectors collinear हैं तो clear है ठीक है if lambda is greater than zero a vector and b vector are called like parallel vectors and if lambda is less than 0 a vector and b vector are called unlike parallel vectors jise aap log itni der se anti parallel kar rahe the कोई भी चीज समझाने की जरूरत हो तो आप बता दीजिएगा सेकंड नोट नोट टू कोलिनियर वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं Collinear vectors are also called linearly dependent vectors. Linearly dependent vectors. कि linearly dependent vectors के bracket में एक बात लिख सकते हैं आप Linearly dependent vectors के bracket में लिख रहे हैं ऐसे bracket में लिखने का meaning समझ में आता है कभी कभी आपको हम शायद उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर तब हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं किसी चीज को तो लिखा क्या था कोलिनियर वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के ब्रैकेट में लिख रहे हैं व्हेन वन वेक्टर
कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ अदर. इकप्रीत जी आपको बोला पहले किसी ने? बोला के भाई तो बताओ पहले. नहीं, नोट्स बहुत खूबसूरत बनाने लग गए हैं आजकल आप. थैंक यू. नहीं, मैंने पूछा कुछ क्वेश्चन कुछ और था गुलाबचंद. आपको पहले भी किसी ने बोली क्या बात? याद तो है एक्चुअली. मैं तो सुनना चाह रहा था एक्चुअली. मैंने ही बोला था भाई थोड़े दिनों पहले. हाँ मैं भूल गया भाई साहब. मैं बोल चुका हूँ स्टेटमेंट पूरा. व्हेन वन क्या लिखा है यार? हाँ हाँ व्हेन वन वेक्टर कैन कैन नॉट, कहाँ से आ गया? कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अदर. तूने जेरोक्स तो नहीं बेची अपनी? बेच मत देना भाई साहब, वो तो मतलब उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी भाई साहब. सारे वर्ड एक जैसे हैं, मतलब लिटरली, मतलब सिमेट्री. हाँ तो सिमेट्रिसिटी देखो भाई, कसम से सब कुछ सेम है, सब कुछ पूरा. वैसे लगता है कि हाँ कुछ लिखा हुआ है. कोलिनियर वेक्टर्स, ये तो मेरी भी मतलब एकदम सुपरलेटिव डिग्री है. मैं तो फिर भी चलो एक आध दो लेटर तो समझ में आते हैं. हैं क्या लिखा रहे थे हम? नोट टू हो गया ना, नोट थ्री. तुमने दोबारा पढ़ने की कोशिश करी कभी अपने नोट्स? रिवीजन किया हो कभी? किया है? चमक जाता है? नाइस यार, गुड टैलेंट. कोलिनियर वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड लीनियर डिपेंडेंट. कितनी बार लिखोगे भाई? लिख लिया. नोट थ्री लिखो. इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर थ्यू, आर थ्यू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, क्या इफ टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स. इफ लिखा क्या हमने शुरू में? इफ लिखा है? इफ हटा दो. गिवन लिखो, गिवन. क्वेश्चन बना दे क्वेश्चन 10 नंबर का. 10 का तो नहीं, चलो 4 नंबर का बना देते हैं. हाँ हाँ नोट ही है, बट क्वेश्चन की तरह से लिख लेते हैं. क्या चक्कर है, अपनी तो कॉपी है भाई. गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो. इफ विद एन एक्स्ट्रा एफ, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो. ट्रू फॉल्स नहीं पूछ रहा हूं, यही क्वेश्चन है. इफ आ गया ना, प्रिंटिंग मिस्टेक के साथ इफ आया ना, इसका मतलब क्वेश्चन है. ओ यार तुम लोग कैसे गेल से पे हो यार. अच्छा मैंने बीच में कहीं सू दैट नहीं बोला एक्चुअली. हाँ बिना सू दैट के कैसे क्वेश्चन होगा, सही बात है. हाँ तो इट्स क्वेश्चन ऑफ सूना, ठीक है, कुछ सू करना है. ठीक, अब क्या है वो सुन लो. अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है, और अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट या इस तरह का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, अगर आप दूसरे कलर का पेन यूज करते हैं मेरी तरह, तो आप इसके नीचे ऐसे लिख सकते हैं, इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन. इसे लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जहां पे मैंने कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड किया और जीरो के बराबर लिख दिया. एक्स ए वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इज इक्वल टू जीरो.
तो इसे बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। भाई साहब अगर वो दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो इस तरह का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, इसका मतलब वैसे सिर्फ और सिर्फ ही होता है वैसे, लेकिन हम थोड़ा ज्यादा तड़का डाल रहे हैं। सिर्फ और 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 सिर्फ तभी हो सकता है जब एक्स और वाई दोनों जीरो। तो अगर इसे प्रूव करना है तो दो तरीके से करना पड़ेगा, एक तो इसे ट्रू मान के, इसे ट्रू तो वो तो गेल रहे हैं जो प्रूव करेंगे, उन्हें तो चौथा ही नंबर भी नहीं मिलना चाहिए चार में से, बल्कि काट और लेना चाहिए। अबे चंपू तूने दोनों जीरो मान के इसे क्या प्रूव कर लिया? दोनों को जीरो मान के उनका कद्दू प्रूव किया तूने। तो बेसिकली इसे लेके और जो कंडीशन थी ए और बी कोई दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं उनको लेके ये प्रूव करना कि एक्स वाई मस्ट बी जीरो है, उस बात का नंबर है। मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? इसे जीरो मान के तो इसे क्या प्रूव करूंगा यार, बचा क्या उसमें? इफ एंड ऑनली इफ का मतलब होता है ना दोनों साइड से करना है यार, भूल जाते एक तो इसे ट्रू मान के इसे सत्यापित करना और इसे ट्रू मान के इसे सत्यापित करना, सत्यापित वेरीफाइड या प्रूफ जो भी पता नहीं। लो तो उल्टा प्रूव कर रहा हूं, उल्टा नहीं सीधा, सॉरी, है ना? ये कंडीशन गिवन है और क्या गिवन है? ए और बी कैसे हैं? नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, जैसे ए वेक्टर इधर हुआ और बी वेक्टर कहीं ऐसा, तो ये दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। कोलिनियर का मतलब यहां समझाया जा चुका है, पैरेलल या एंटी पैरेलल टाइप के होने चाहिए, ठीक है? हाँ क्या लिख रहा था मैं यहां पे? हाँ अगर मुझे ये प्रूव करना है, ये दिया हुआ है एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर इज इक्वल टू जीरो गिवन है। सपोज इसे कहते हैं प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन। सपोज एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो क्वांटिटी, थोड़ी देर के लिए मान लिया हमने एक्स एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। अगर एक्स एक नॉन जीरो क्वांटिटी है तो ए वेक्टर को लिखा जा सकेगा माइनस टाइम्स वाई बाय एक्स बी वेक्टर। नहीं समझ में आ रहा? अरे अगर एक्स को नॉन जीरो माना गया तो एक्स से डिवाइड कर सकते हो ना भाई साहब। इसे लैम्बडा मान लिया, लैम्बडा बी वेक्टर है। इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि ए वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ, ये सिर्फ तभी होल्ड करता है जब ए और बी कोलिनियर। आप लिख ही तभी सकते हो, अरे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके आप अगर उसे ए वेक्टर के बराबर कर रहे हो तो यानी या तो वो उसी की डायरेक्शन में या वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर मैं सिर्फ तभी लिख सकता हूं जब वो दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, ठीक है? तो इसके नीचे मैंने क्या लिखा, दिस इंप्लाइज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर विच इज अ, अरे तुम लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है कभी? विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस आर सपोजिशन वॉज रॉन्ग, हेंस अगेन एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मास्टर तो एक्स ही जीरो प्रूव हुआ है, हाँ तो दोबारा करेंगे ना भाई साहब, अभी तो डेढ़ ही नंबर मिला है तो दो की और फाइट, दो नंबर और कमाएंगे ना। सिमिलरली पौने दो मिल गया यार, चौथा ही उधर मिला था ना, दो हो गया, अब दो नंबर और कमाएंगे कैसे? सिमिलरली वाई नॉट इक्वल टू जीरो, अब वो उसको मैं करके नहीं बता रहा यार, वो सेम है यार, कुछ तरस खाओ यार मेरे तर। अच्छा हाँ सॉरी, एक्स जीरो यहीं रख दो तो दो नंबर तो कम नहीं हो गए फिर? हाँ ठीक है, एक्स जीरो यहाँ ठोक दो, वाई को जीरो होना ही पड़ेगा क्योंकि बी वैक्टर तो नॉन जीरो वैक्टर है। ये भी सही है, नाइस, हाँ मिलेंगे बिल्कुल यार, तो वैलिड है। सर देखो ये 100% मजाक की बात है, एनसीईआरटी की औकात ही नहीं है, इतनी नहीं है। लीनियरली डिपेंडेंसी और लीनियरली इंडिपेंडेंसी तो बहुत बड़ी बात हो गई, अरे इतनी ऑक्सी नहीं है। हाँ सुनो, तो क्या चल क्या रहा था ये बताओ पहले। हाँ ये तो हो गया, तो एक्स और वाई इनको क्या होना पड़ेगा? जीरो, ठीक है? तो अब एक बार वो कर देते हैं,
है, समराइज्ड, संक्षिप्त और उल्टा तो पहले प्रूव कर, देवी सबसे पहले बोला, चौथा ही नंबर जिसका बोला, अगर एक्स और वाई जीरो दिए हैं तो इसको प्रूव करके दिखाऊं है क्या, मिला था चौथा ही नंबर, उसमें नहीं रहती ये पे टंगी पड़ी अब तक, साले देखते हैं उल्टा कैसे करता है, उल्टा तो पहले ही बताया था उल्टे का तो कोई नंबर ही नहीं हो सकता, मतलब उल्टा तो वैसे मजाक है भाई। लो सुनो संक्षिप्त में, क्या क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर कोई दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है तो उनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब उनके सभी कॉफिशेंट जीरो के बराबर। ये सभी वो भी ऐसे क्यों बोल रहा हूं मैं, कल को अगर दो से ज्यादा भी दिए जाएंगे तब भी ठीक है, तब भी। लेकिन एक छोटी सी लास्ट में दो चार ग्राम बातें कर लेते हैं कोलिनेरिटी की, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो कोप्लेनेरिटी की, अभी फिलहाल सिर्फ कोलिनेरिटी की बात कर रहे हैं। अगर कभी भी कोलिनेरिटी की बात आएगी तो दो वेक्टर से कम की नहीं आ सकती, क्योंकि पहली बात, वन वेक्टर कंप्राइजेस ऑफ टू पॉइंट्स, एक वेक्टर के पास कितने पॉइंट हैं, दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वन इज इनिशियल पॉइंट एंड द लास्ट इज टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज टर्मिनल पॉइंट। तो हमेशा एक वेक्टर दो पॉइंट के साथ में आता है आपके पास, और दो पॉइंट की कोलिनिटी की बात करना इलॉजिकल है, यानी कि एक वेक्टर कोलिनियर है ये तो नॉनसेंस स्टेटमेंट। कोलिनिटी की कभी भी चर्चा करी जाएगी, दिया जाएगा या पूछा जाएगा तो हमेशा दो वेक्टर होंगे मिनिमम, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बहुत सिंपल सा, ठीक है, जिसमें मैंने हिंट भी दे दी, अ वेक्टर कॉन्स्टिट्यूट टू पॉइंट्स, टू वेक्टर्स विल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स। दो वेक्टर्स के पास कितने पॉइंट्स होते हैं, दो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स के पास, सॉरी, इफ यू हैव टू डिस्टिंक्ट वेक्टर्स हाउ मेनी पॉइंट्स यू विल हैव, फोर। ये आम थोड़ी बेच रहे हो तुम, दो रुपए के पांच आम, दस रुपए कितने गधेड़ो, यूनिटरी मेथड थोड़ी लगे यहां पे, एक वेक्टर का दो पॉइंट, दो वेक्टर का चार, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछते हैं कोई बेवकूफ। ये दो डिस्टिंक्ट वेक्टर है, अभी आपको इनके पास चार पॉइंट दिख रहे हैं लेकिन मेरे को इन चार पॉइंट से कोई लेन देना नहीं है, यू जुपाक, मैं तो इन्हें ला कैसे मिला दूंगा, तीन पॉइंट है, एक तो ये और दो इनके टिप, तो टू वेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ थ्री पॉइंट्स। और कभी भी कोलिनेरिटी की बात तीन पॉइंट से कम में कैसे हो सकती है यार, ये तो लॉजिकल बात ही नहीं है ना, तीन पॉइंट पे ही तो कोलिनेरिटी की बात पूछी, दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनेर होते हैं, इसलिए एक वेक्टर का कोलिनेरिटी का भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोलिनेरिटी का क्वेश्चन हमेशा दो वेक्टर्स के बनेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये बात मैंने क्यों करी, ये बात मैंने चर्चा में इसलिए लाया, अगर पोजीशन वेक्टर के कोलिनेरिटी की बात होगी किसकी, तो तीन से चालू होगी, तो किससे चालू होगी, तीन से। वेक्टर के कोलिनेरिटी की बात दो वेक्टर से आएगी, लेकिन पोजीशन वेक्टर के कोलिनेरिटी की बात तीन वेक्टर से आएगी, क्यों, तीन, हाँ तीन पोजीशन वेक्टर से आएगी, क्यों क्यों क्यों, जल्दी, क्योंकि हर पोजीशन वेक्टर के पास एक ही पॉइंट होता है, हर पोजीशन वेक्टर के पास एक ही पॉइंट होता है। Whenever we are talking about position vector, we are only interested in the tip. नहीं चमका, हम सिर्फ टिप में इंटरेस्टेड हैं, टेल में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि टेल हमेशा ऑरिजिन है। अगर पोजिशन वैक्टर का कभी कोलिनिटी का क्वेश्चन आएगा तो तीन पॉइंट से कम नहीं आ सकते, तीन पॉइंट आएंगे डेफिनेटली, इस तरह से तीन पॉइंट कोलिनियर हो सकते हैं। अब वो अभी तो कोलिनियर कैसे होंगे, तो सेम लेंथ के सर्कल बनाएंगे ना गुलाबचंद, भावनाओं को समझो ना, टॉमी टच कौन पे रखो तो कोलिनियर हो जाएंगे,
हाँ, कुलीनियर बना सकते हैं भाई 3 पॉइंट, लेकिन वो तीन ओरिजिन पे नहीं आएंगे ना अगर ऐसे रख लूंगा तो। यही तो समझा रहा था कि सेम लेंथ के हैं, कुलीनियर पॉइंट कैसे दिखाऊंगा। अब तीन ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे मान लो, तो ऐसे 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 कुलीनियर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा था वो समझ लो बस ढंग से। वेक्टर की डील कभी भी कोलिनिटी की आएगी तो दो वेक्टर से स्टार्ट होगी, और पोजीशन वेक्टर की डील आएगी तो तीन से स्टार्ट करनी पड़ेगी। दो पोजीशन वेक्टर कोलिनियर अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर तो बम्पर बोनस है, वो तो कोलिनियर ही है क्योंकि दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं। बात को समझो, दो पोजीशन वेक्टर के पास 3 पॉइंट नहीं है क्योंकि इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन है। हम सिर्फ टर्मिनल पॉइंट में इंटरेस्टेड होते हैं पोजीशन वेक्टर के केस में। बेसिकली वो तो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, कोऑर्डिनेट गिवन इन वेक्टर फॉर्म। नॉर्मली तो कोऑर्डिनेट ही होते थे, तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोलिनिटी का क्वेश्चन आएगा तो 3 पॉइंट का ही तो आएगा भाई साहब। तो वेक्टर के केस में दो का ही क्यों आ रहा है, क्योंकि दो ने 3 पॉइंट दे दिए। क्लियर है?